घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट क्यों। उसको समझता क्या है? क्या है रेड सैंडर्स? क्यों बन रही है एक लकड़ी पर फिल्म? क्या पुष्पा का मोटिव हो पाएगा पूरा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की बिल्कुल नई और फ्रेश वीडियो में। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दुर्लभ लकड़ी रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई से लगभग 1.78 करोड़ रुपए के रेड सैंडर्स के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया। रेड सैंडर्स को लाल चंदन के अलावा रैक चंदन के रूप में भी जाना जाता है। यह दुर्लभ लकड़ी केवल दक्षिण भारत के रायलसीमा क्षेत्र के जंगलों में ही पाई जाती है। इस लकड़ी का इस्तेमाल औषधि बनाने और कलाकृतियों व फर्नीचर बनाने में किया जाता है, जो कि बेहद ही दुर्लभ और अत्यधिक महंगी होती है। हाल के वर्षों में मध्य पूर्व, यूरोप और चीन के देशों में लाल चंदन की तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते 3 अप्रैल को मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 के अधिकारियों को सूचना मिली कि धारावी में साइन महिंग रोड से रेड सैंडर्स की एक बड़ी ट्रॉली ले जाई जाने वाली है। इसी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां जाल बिछाया। यूनिट 5 के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर मोहिनी लोखंडे ने मौके से रेड सैंडर्स लेकर तेज गति से भागते हुए एक टेम्पो की पहचान की। इसके बाद मुखबिरों से पता चला कि उस टेम्पो ने अंधेरी के शहर रोड पर स्थित एक गोदाम में लाल चंदन की लकड़ी अनलोड की थी। जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने उस गोदाम पर छापा मारा और वहां से 17,079.585 किलोग्राम रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन बरामद किया। साथ ही वहां से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी समेत वन संरक्षण अधिनियम, वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ये केस मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने दक्षिण भारत से लकड़ी की तस्करी करने में मदद की, और उन लोगों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है जिन्हें ये दुर्लभ लकड़ी पहुंचाई जानी थी। भारत में विशेष स्थान पर पाए जाने वाले लाल चंदन यानी कि रेड सैंडर्स की लकड़ी की खासा ही महत्व है। वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटिलिनस से पहचाना जाने वाला ये लाल चंदन आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है, जिसकी वजह से काफी खून खराबा भी हो चुका है। चीन में इस पेड़ की विशेष मांग है, जिससे कई बार तस्करी के तहत पहुंचाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की जाती है, और इन्हीं तस्करी के मामले पर साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा लेकर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी ही तो है, इस पर क्या फिल्म बनाई जा रही है? तो बता दें कि ये कीमती लकड़ी की तस्करी पर नहीं, बल्कि भारत की प्राकृतिक संपदा पर हमला हो रहा है, और ये फिल्म इसी गैर कानूनी धंधे पर प्रकाश डालने के लिए लाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म इस धंधे को रोक पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।